हे गाइस, माय नेम इज राहुल कुंतल। और यार, आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की। एक्चुअली आज हम बात करते हैं NSNIS, इसमें है क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, ये किस काम में आता है, कौन यहाँ पर रहता है, तो इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। NIS पहले पटियाला के राजा का एक महल हुआ करता था, जिसे भारत सरकार ने भारत की आज़ादी के बाद खरीद लिया। भारत सरकार ने इसे जिस उद्देश्य से खरीदा था, वह उद्देश्य था कि यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के अच्छे अच्छे कोचेज को तैयार किया जा सके और यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से प्लेयर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ाई जा सके, इस रिसर्च के लिए, एक स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए सरकार ने यहाँ पर इसे सोचा। 23 जनवरी 1973 को इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रखा गया। इस इंस्टीट्यूट में टोटल 115 कमरे हैं और ये 268 एकड़ में फैला हुआ है। संस्था में एकेडमिक प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एरिया की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें कि 4 हॉस्टल्स भी सम्मिलित हैं। इन हॉस्टल्स में स्टूडेंट, नेशनल प्लेयर्स, कोचेज आसानी से उच्च स्तरीय व्यवस्था के साथ रह सकते हैं और रहते भी हैं। हॉस्टल के अलावा इस इंस्टीट्यूट में 115 रूम्स हैं, जिनमें कि ऑफिस, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट और क्लासरूम्स और स्टाफ क्लब भी सम्मिलित हैं। इस इंस्टीट्यूट में एक गेस्ट हाउस विद लॉन्च एंड कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना हुआ है। इसमें एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। इस डिपार्टमेंट में सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए मेडिकल की सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ के साथ सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इक्विपमेंट्स, ग्राउंड्स और जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ स्टैंडर्ड जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, इंडोर हॉल्स, हॉकी फील्ड, टर्फ और ग्रास बोथ, एथलेटिक्स ट्रैक, सिंडर एंड सिंथेटिक बोथ, इंडोर और आउटडोर कोर्ट भी बने हुए हैं सारे गेम्स के। यहाँ रिकवरी के लिए वेल मेंटेन्ड सोना बाथ, स्टीम बाथ, हाइड्रोथेरेपी एंड फैसिलिटीज़ की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये थी कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी इसके ऊपर। ये इसका टॉपिक बहुत ब्रॉड है, आगे भी हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास कोई सुझाव या फिर आपकी कोई मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ याद रखना, नेवर स्टॉप प्लेइंग। जय हिंद।